Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am the owner of Prism Estate Builders. मुझे almost तकरीबन 15 years हो गए हैं इस field के अंदर start लिए हुए. सबसे पहले मैंने बैरिया टाउन और डिफेंस से स्टार्ट लिया था. पहली ब्रांच हमारी गुलरेज में स्टार्ट हुआ. उसके बाद फिर हम लोगों ने बैरिया के साथ बल्क में काम करना शुरू कर दिया और माशाल्लाह बैरिया भी उस टाइम पे काफ़ी ग्रोन अप हो रहा था, तो हमने भी उसका साथ दिया. तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की प्रिज्म स्टेट की रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब जगहों पर ब्रांचेज हैं और आलमोस्ट तकरीबन 14 जो हैं प्रिज्म स्टेट की इस टाइम पर काम कर रही हैं. बेसिकली प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर्स दो सेक्टर्स में काम कर रहा है. फर्स्टली रियल स्टेट का सेक्टर है एंड सेकेंडली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का सेक्टर है. तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रिज्म मार्केट 1 से स्टार्ट लिया था, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर से. फेज 7 में मिडवे कमर्शियल में हम लोगों ने प्रिज्म मार्केट 1 बनाया और वो उस टाइम पर बनाया था जब इतनी मल्टी स्टोरीज और बड़ी बिल्डिंग्स का कंसेप्ट नहीं था. सेकेंडली फिर हम लोगों ने प्रिज्म मार्केट 2 बनाया. इसी तरह फिर हम लोगों ने प्रिज्म मार्केट 3 बनाया. और माशाल्लाह तीनों प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल गए हैं. इसी तरह अभी हम लोगों का इनक्लेव में भी एक प्रोजेक्ट शुरू है. एंड थर्ड वन अब हम लोग बहरिया टाउन रावलपिंडी जो नया हेड ऑफिस बन रहा है इसके सामने भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अराउंड 11 प्लाट्स के ऊपर. और एक और हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग है, वो प्रिज्म GL1 है कराची के अंदर. तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें चेंज भी की हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दी हैं. तो आई थिंक सो कि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा इस लिहाज से कंस्ट्रक्शन के हवाले से. एंड मैं इसके बारे में एक और चीज़ बात करूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए बहरिया टाउन एक आप समझ लें कि एक लिविंग पैराडाइज भी है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एक्चुअली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसमें फेक प्रॉपर्टीज़, फेक डील्स और मिस अप्रोप्रिएशन, इस तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं. लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर जो दो बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एक बहरिया टाउन और डिफेंस, इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते. और इसी लिहाज से मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि आप लोग बहरिया के अंदर इन्वेस्ट करें, प्रॉपर किसी फर्म के साथ करें और उनको काफी से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लो बजट के अंदर उनको काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी जी.